दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि डीमर का कनेक्शन स्विच बोर्ड में कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये डीमर है, इसको स्पीड कंट्रोलर भी कहा जाता है और इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर भी कहा जाता है। तो इस टाइप का अगर रेगुलेटर का कनेक्शन आपको करना है, अगर करना नहीं आता है, तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप इसका कनेक्शन स्विच बोर्ड में करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक डीमर लगा हुआ है, एक स्विच है और 2 सॉकेट, इसका कनेक्शन आज हम कंप्लीट आपको करके दिखाने वाले हैं। तो आइए, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बोर्ड का चारों स्क्रू को ओपन करें और बोर्ड को खोल करके कुछ इस तरह से आपको रखना है। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे एक स्विच, 2 सॉकेट और एक डिमर लगा हुआ है इस बोर्ड में। इसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमको लेना है एक कटिंग वायर, और इस वायर को सबसे पहले हमको छील करके स्विच का नीचे वाली पॉइंट में इस तरह से आपको घुसा करके टाइट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से टाइट कर लेने के बाद फिर लेना है एक कटिंग वायर और इसको हम फिर इस तरह से छीलेंगे, और छीलने के बाद सबसे पहले स्विच का दूसरा पॉइंट में इस तरह से फिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यही वाला वायर को हमको सीधे ले जा करके 2 पिन सॉकेट में जोड़ना है, एक पिन में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम कट कर लेते हैं और छील करके 2 पिन सॉकेट का एक पिन में लूप कर देते हैं। उसके बाद फिर एक कटिंग वायर लेंगे और 5 पिन सॉकेट का एक पिन में कुछ इस तरह से लूप करेंगे। ये दोनों वायर को हम कुछ इस तरह से जोड़ेंगे। देखें फ्रेंड्स, यानी कि स्विच से जो वायर निकल रहा है दोनों सॉकेट में, एक एक पिन में हम कुछ इस तरह से जोड़ेंगे। उसके बाद फिर लेंगे इस तरह का एक कटिंग वायर न्यूट्रल के लिए, और 5 पिन सॉकेट का एक पिन जो खाली था वहाँ पे इस तरह से जोड़ेंगे। उसके बाद फिर यही वाला वायर को हमको 2 पिन सॉकेट का एक पिन में जोड़ना है। ठीक है, ये मेरा न्यूट्रल के लिए हो जाएगा। देखें फ्रेंड्स, इस तरह से जोड़ना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद लेंगे एक न्यूट्रल बनाने के लिए एक वायर, और इस वायर को न्यूट्रल वाले वायर से कुछ इस तरह से जोड़ेंगे। ये मेरा सप्लाई लाइन है, इसी में हमको सप्लाई देना है। तो देखें फ्रेंड्स, ये ब्लू और येलो कलर का जो वायर दिख रहा है, इसमें हमको सप्लाई इनपुट देना है। ठीक है, अब देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 वायर आपको दिख रहा होगा डीमर में, दोनों वायर में से किसी एक वायर को हम कुछ इस प्रकार छीलेंगे, और छील लेने के बाद स्विच का नीचे वाली वायर में मिला करके कुछ इस तरह से टाइट कर देंगे, यानी कि स्विच से अगर आपको कनेक्शन करना है तो। ठीक है, उसके बाद फिर डीमर का जो दूसरा वायर है इसको हम जोड़ेंगे फैन में या तो फिर होल्डर में, अगर आप लाइट में लगा रहे हैं तो लाइट का एक वायर में जोड़ेंगे। देखें फ्रेंड्स, तो हम दिखाने के लिए एक होल्डर में इसको जोड़ करके दिखाते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, होल्डर के लिए 2 वायर जो आपको दिख रहा होगा, दोनों में से किसी एक वायर को डीमर का जो एक वायर मेरा खाली था उसमें आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले इसको हम जोड़ लेते हैं, और ये डीमर होल्डर का दूसरा वायर को हमको न्यूट्रल कनेक्शन से जोड़ना है। तो न्यूट्रल के लिए भी जहाँ पे अभी हम न्यूट्रल का वायर जोड़े हैं वहाँ पे जोड़ देंगे। इस तरह से आपका डीमर का कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से डीमर का कनेक्शन किया जाता है। अब सप्लाई दे करके इस बोर्ड को हम टेस्टिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको सारा कनेक्शन करना है। कनेक्शन कर लेने के बाद एक मरतबा आपको प्रॉपर चेक कर लेना है कि कोई वायर मेरा गलत तो नहीं जुड़ गया है। ठीक है, सारा चेक कर लेने के बाद अब आइए इसमें हम सप्लाई दे करके दिखाते हैं आपको, और देखते हैं कैसे ये मेरा काम कर रहा है। तो देखें फ्रेंड, जैसे ही हम स्विच ऑन किए मेरा बल्ब जल गया, और डीमर को जैसे ही हम घुमाए मेरा बल्ब का लाइट जो है थोड़ा डिम हो गया। तो इस तरह से आप डीमर का कनेक्शन फैन या बल्ब के साथ आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक
जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखें फ्रेंड्स, इसी तरह से अब बल्ब में भी इस डीमर को यूज़ कर सकते हैं और सीलिंग फैन वगैरह में भी आपको इस तरह का डीमर देखने को मिलेगा जहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।